मरियम नवाज ने नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की। तलबी पर नैब ऑफिस लाहौर पर हमला किया, जमानत खारिज की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लीगी नायब सदर और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। लीग का ऐलान, शाहिद खाकान अब्बासी बोले, चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुए 4 रोज हो गए, मुशावरत शुरू नहीं हुई, हुकूमत मौजूदा चेयरमैन को ताहयात रखना चाहती है। बलोचिस्तान का सियासी बहरान संगीन, मामला वजीर आजम तक पहुंच गया। गवर्नर बलोचिस्तान आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आला के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। बहरान के खात्मे के लिए गवर्नर को जिम्मेदारियां सौंपने का इम्कान। नाराज अरकान की तहरीकी अदम एतमाद पर 7 रोज में वोटिंग जरूरी है। पुलिस में सब एक दूसरे से मिले हैं। पेटी भाई को सजा दिलवाने में दिलचस्पी ही नहीं, जराय में मुलविस लाहौर पुलिस अहलकार की मौतली का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की, पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश। रिमार्क्स दिए कि रियासत का काम मुकदमात दर्ज करके अपना और दूसरों का मजाक बनाना नहीं है। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून अजीब व गरीब है। ऐसा नहीं हो सकता बाप के इंतकाल पर बेटा भर्ती हो जाए। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सनकोटा केस में रिमार्क्स। कहा, मुलाजमत के अहल बोल होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। सरकारी मुलाजमत विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। हुकूमत गर्दशी कर्जे पर काबू पाने में नाकाम। 3 साल में कर्जा 2,294 अरब हो गया। जुलाई और अगस्त में गर्दशी कर्ज में 14 अरब का इजाफा। अगस्त तक पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2,294 अरब हो गया। सानिहा मेहरान टाउन केस में अहम पेशरफ, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सनीमुल्ला ओढ़ो, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा अयास की अबूरी जमानत मंजूर। एसबीसी अफसरान ने भी अबूरी जमानत हासिल कर ली। 5-5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डेंगू की लपेट में। पंजाब में 262 मरीज, इस्लामाबाद में 113, लाहौर में 184 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 128 मरीज मोजी मच्छर का शिकार। सिर्फ पिशावर में 40 केसेस सामने आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।